तो फ्रेंड्स, खत्म हुआ इंतजार और फाइनली रिलीज हो चुकी है आदि पुरुष। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो जाके देखिए। मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आया, बहुत एक्साइटेड था। सुबह सुबह नहा धो के बढ़िया पूजा पाठ करके अच्छे मन से फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया। वहां माहौल देख के मन भाव विभोर हो गया था एकदम। मैंने देखा कि बहुत भीड़ थी वहां पे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला इफेक्ट दिखा। लोग जय जय श्री राम की जय घोष कर रहे थे। जैसे ही हॉल में एंटर किए, वहां पर एंटर करते ही हमने देखा कि हनुमान जी की फोटो एक सीट पे रखी हुई है और उस सीट को हनुमान जी के लिए रिजर्व करा गया था, क्योंकि कहते हैं कि जहां जहां राम कथा होती है वहां पे हनुमान जी पहले से मौजूद होते हैं। तो हनुमान जी की मौजूदगी को महसूस करते हुए सभी लोगों ने प्रणाम करते हुए अपनी अपनी सीट में अपना अपना स्थान ग्रहण किया। स्थान ग्रहण करने के बाद जो हुआ वो बताने लायक है। तो शुरू करता हूँ अब इस वीडियो को और बताता हूँ कि आदि पुरुष मूवी कैसी लगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले बता दूं कि पूरे जोश खरोश के साथ लोगों ने जयघोष के साथ जय सिया राम बोल के शुरू किया। शुरू करने के बाद एक चीज हमारे हाथ लगी, वो लगी निराशा। जी हाँ फ्रेंड्स, निराशा हमारे हाथ लगी, क्योंकि इस मूवी के कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताने जाऊंगा जिसको देख के मुझे काफी ज्यादा निराशा हुई। मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन पाल रखी थी इस मूवी को लेके, तो मुझे जो निराशा हुई वो मैं आप लोग के सामने शेयर करता हूँ। शुरू किया गया है वनवास से। जी हाँ, जहाँ वनवास शुरू होता है वहां से रामायण शुरू होती है और उन्होंने खत्म किया है रावण के अंत से। मतलब मूवी वहीं शुरू होके वहीं खत्म हो जाती है, 3 घंटे में उन्होंने सिर्फ ये दिखाया है। मूवी देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि मैं कार्टून फिल्म देख रहा हूँ कि मूवी देख रहा हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आया। एक्टर्स का जो सिलेक्शन था वो बहुत खराब था। एक प्रभास थे जो अपने रोल में थोड़ा जमे थे और सैफ अली खान ने अपने रोल के साथ जस्टिस किया है, उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। लेकिन उसके अलावा ऐसा लगा कि किसी फैशन शो में जाके एक एक कैरेक्टर को उठा उठा कर कि ये मेरे बुआ का लड़का है, मेरे चाचा का लड़का है, इसको पिक्चर में ले लो, ऐसा सोच के सब एक एक लोगों को पिक्चर में ले लिया। परफेक्ट जो लाइन वाला मेघनाथ, ऐसा आप कभी भी देखे होंगे, वो जो लाइन वाला मेघनाथ इसमें दिखाया है। ना जिसकी पर्सनालिटी मेघनाथ जैसी है, ना जिसके डायलॉग डिलीवरी मेघनाथ जैसी है, और यंग 24-25 साल के लड़कों को मेघनाथ बना दिया गया है। कास्टिंग की है वो बहुत वाहियात, बहुत घटिया, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। आप लोग मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्टिंग के नाम में जस्टिस नहीं किया गया है बिल्कुल भी। कृति सेनन का रोल ज्यादा कुछ है भी नहीं, बहुत कम रोल है उसका। बट उसे मुझे ऐसा लगता है कि जो कपड़े पहनाए गए थे, वो सीता माता का रोल कर रही थी तो उसे थोड़े मर्यादित कपड़े पहनाने चाहिए थे। दूसरा एक चीज मैं कहूंगा फ्रेंड्स कि लैंग्वेज जो इसमें यूज किया गया है, आप सोच सकते हैं कि हनुमान जी ये कह रहे हैं कि तेरे बाप की लंका, तेरे बाप के पीछे आग लगा दूंगा या तेरी लंका लगा दूंगा, इस तरह का लैंग्वेज हनुमान जी यूज कर रहे हैं उसमें। एक 2 कौड़ी का राक्षस भगवान राम से कह रहा है कि चल निकल, सुबह तक यहां से निकल लेना। ये लैंग्वेज को यूज करता माइथोलॉजिकल मूवी में या किसी भी सीरीज में इस तरह का लैंग्वेज को यूज कर सकता है। मतलब ये एक अनपढ़ डायरेक्टर भी इस तरह का लैंग्वेज यूज नहीं करेगा। मुझे तो ऐसा भी लगा है कि जानबूझ के इस कथा का मजाक उड़ाने के लिए ये पिक्चर बनाई गई है, ऐसा भी मुझे लगा है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन ये सच्चाई मुझे लग रही है। ये रामायण को प्रचारित करने के लिए नहीं, इसका दुष्प्रचार कराने के लिए इस तरह बनाया गया है। मान लीजिए कोई बच्चा आज के डेट में ये मूवी देखने जाता है जो रामायण नहीं देखा है, तो उसके दिमाग में रामायण की जो छवि बनेगी वो इसी तरह की बनेगी। वो जो हनुमान जी वाली सीट वहां पे थी, अगर वास्तव में हनुमान जी वहां अगर आ गए तो गदा से इतनी पिटाई करेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मुझे ये मूवी बहुत बकवास लगी। देखा जाए तो इसको हम 5 में 2 नंबर भी नहीं दे सकते। मेरा बेटा साथ में गया था मूवी देखने के लिए, उसको मूवी सिर्फ इसलिए मजा आ रही थी क्योंकि उसने भी रामायण देख रखी थी रिसेंटली, तो उसको मूवी सिर्फ इसलिए मजा आ रहा था कि सिर्फ कार्टून दिखा रहा है, मेरे को मजा आ रहा है। रामायण तो ये नहीं है लेकिन ये कार्टून इसमें दिखाया जा रहा है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। पिक्चराइजेशन जो किया गया वो भी बहुत, पूरा मूवी में ऐसा लगा कि रामायण दिखा रहे हैं, थोड़े अच्छे सीन्स दिखाने चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि एक सेट पे पूरी पिक्चर खत्म कर दी है, डार्क अंधेरा, बिल्कुल भी रोशनी नहीं वहां पे, पूरी मूवी अंधेरे में खत्म हो जाती है। देख के समझ में नहीं आया, लगभग 40 से 45 मिनट के लड़ाई झगड़े और युद्ध दिखा दिया गया। उसमें भी युद्ध कौन लग रहा है, रियल कैरेक्टर नहीं, कार्टून युद्ध लड़ रहे हैं। तो भाई इस मूवी का नाम आप रामायण से क्यों कनेक्ट कर रहे थे, इससे अच्छा कोई कार्टून मूवी बना लेते आप। तो इस तरह से ये मूवी मुझे बहुत बकवास लगी, बहुत वाहियात लगी, एक्टिंग भी जीरो, सब कुछ जीरो। तो अगर आप लोग को अपना ये मूवी देखना है जाके तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक बात जो मुझे सबसे आपत्तिजनक लगी वो लगी रावण को दिखाना। रावण का जो पिक्चराइजेशन किया है, सैफ अली खान ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन रावण कौन था इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। रावण त्रिकालदर्शी, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विद्वान पंडित ब्राह्मण, उसको शराब पीते हुए दिखा रहा है, मांस खिलाते हुए दिखा रहा है। आपने रामायण देखा होगा, वाल्मीकि रामायण का जो रावण सागर जी ने बनाया था, उसमें रावण को कितनी सात्विकता से शिव जी की पूजा करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि वो एक प्रकांड ब्राह्मण था और उसको पता था कि धर्म की रक्षा कैसी करनी है। वो जो उसके कर्म थे उसकी वजह से उसको ये राम जी के हाथों उसका संहार हुआ, लेकिन
भगवान राम के साथ में रावण का भी एक कैरेक्टर था जिसके बारे में दिखाना था। यहाँ तक कि जब रावण की मृत्यु हुई थी तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि जाके महाप्रकांड विद्वान से कुछ ज्ञान ले लो, लेकिन वो ज्ञान दिखाना तो छोड़, वो इतने शॉर्ट में मूवी खत्म की, एक तीर मारे और कुंभकर्ण खत्म, एक तीर मारे मेघनाथ खत्म, एक तीर मारे रावण खत्म और पूरी मूवी खत्म। एक बात मैं और कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इस मूवी में रामायण जब देखते थे हम तो आंख से आंसू आ जाते थे, एक कपड़ा लेके बैठना पड़ता था देखते ही, लेकिन इसमें कोई कन्वर्सेशन नहीं दिखाया है, सिर्फ लड़ाई झगड़े VFX, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाया है, कोई इमोशन नहीं, कुछ भी इस तरह का सीन नहीं कि भाई अगर लक्ष्मण मूर्छित हुए तो भगवान राम को एक बार रोते तो दिखा देते कम से कम, या उनको दुखी होते तो दिखा देते, बट कुछ नहीं, बस बहुत जल्दी में मूवी बनाई है और नई नई बातें इसमें ईजाद हुई है। जैसे कि एक जो सीन था जो संजीवनी बूटी जब हनुमान जी लेके आते हैं तो वो ये बोल के लाते हैं कि बाद में युद्ध होगा तो बहुत सारे लोग इंजर्ड होंगे तो जरूरत पड़ेगी बार बार, इसलिए मैं पूरा पहाड़ उठा के ले आता हूँ, ये दिमाग उनको कौन दिया आई डोंट नो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सुसैन वैद्य का कैरेक्टर था इसमें एक नया कैरेक्टर पैदा कर दिया गया कि विभीषण की वाइफ भी राम जी के शिविर में रहती है जहां पे वो रहते थे, और सुसैन वैद्य के जगह वो विभीषण जी की जो वाइफ थी वो लक्ष्मण जी का इलाज करती है, वो उनके लिए दवाई बनाती है और लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित करती है। तो ये कौन क्रिएटिविटी उनको दिया आई डोंट नो, बट ये सबसे वाहियात पार्ट लगा मुझे इस मूवी का। तो अगर आप लोग को ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के बीच शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।